हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। रेस 3 आज रिलीज हो गई है। फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग ली है। जैसे कि उम्मीद थी कि फिल्म के शुरुआती शोज ने ही 80-85% ऑक्यूपेंसी दिखाई है। सलमान खान, अनिल कपूर, जैकलिन, बॉबी देओल, साकिब सलीम स्टारर फिल्म का क्रेज लोगों में साफ नजर आ रहा है। ईद पर सलमान खान की फिल्में वैसे ही धमाकेदार कमाई करती हैं। ऐसे में ये फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर लेगी, सभी की नजरें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर है। वैसे सलमान को सिंगल रिलीज का फायदा भी मिला है, ऐसे में फिल्म के पास कमाई करने का पूरा मौका है। बात करें फिल्म की ओपनिंग की, तो ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म पहले दिन ही 32 से 35 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। 150 करोड़ के बजट में बनी रेस 3 देश भर में 4000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। फिल्म 3D में रिलीज हुई है। सलमान खान के इस फिल्म में एक्शन, रोमांस और ड्रामा, यानी कि पूरी मसालेदार फिल्म है, जो सलमान के फैंस को काफी पसंद आता है। सलमान खान की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म की बात करें तो वो है प्रेम रतन धन पायो, जिसने पहले दिन ही 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। वहीं सलमान खान की पिछली फिल्म एक था टाइगर की ओपनिंग 32 करोड़ 93 लाख थी। अब रेस 3 अपनी ही फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप रेस 3 देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।